नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, कौन से टकराएगा। और इसकी मेन वजह यह है कि 12 साल तक हमने इस रूरल डिपार्टमेंट को अपने दिए हैं और हमने नरेगा का ही काम नहीं किया है, इसमें हमने हर एक स्कीम का काम किया है। और 12 साल और हमें परेशान करने वाली बात यह है कि 12 साल हमने डिपार्टमेंट को दे दिए लेकिन हरासमेंट के सिवाय और हमें कुछ नहीं मिला। हर बार हमें अश्योर किया गया कि आपके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल ही नहीं हुआ है। अब पिछले दिनों हमारी कमेटी बनी थी, उसमें ये लिखा गया था साहब कि 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देगी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। जब 7 महीने हो जाने के बाद फिर हमने स्पाइक की कॉल दी, तब जाकर जो हमारी वर्दी मैडम श्रीमती शीतल नंदा जी, उन्होंने फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी कमेटी और हमें रास्तों पे आने के लिए मजबूर किया। जो कंट्रेक्चुअल नीति जो हम जो बंधुआ मजदूर जो हमको बना के रखा है, 12 साल तक हम ऐसे ही इनको झेल रहे हैं। अब हम जाएं तो जाए कहाँ, जे जितने भी एम्प्लॉई हैं जो वेल क्वालिफाइड यूथ है सारा का सारा, और PhD हमारे लड़के PhD तक उनके पास क्वालिफिकेशन है, M.Tech, B.Tech और ग्रेजुएशन से नीचे तो कोई भी नहीं है और इनके पास काफी तजुर्बा है गवर्नमेंट के। बंद करो कंट्रेक्चुअल नीति, बंद करो बंद करो बंद करो कंट्रेक्चुअल नीति, बंद करो।